हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यू आईएएस। होपफुली कि आप लोगों का पेपर प्रीलिम्स जो जीएस पेपर वन है वो आप लोगों का बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि जस्ट आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। एंड जस्ट अभी मैंने अभी इस पेपर को देखा एंड आई एम अबाउट टू शेयर माई बेसिकली रिव्यू अबाउट दिस पेपर। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर की अगर हम बात करें जो पेपर वन है, तो पेपर ये टफ़ नहीं है, ठीक है। पेपर ये टफ़ नहीं है, थोड़ी मॉडरेट है और इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। तो बट अगर समवेयर राउंड अगर हम कट ऑफ की बात करूं तो इस पेपर को देखने के बाद कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये 50 से 60 के बीच में इसकी जनरल की कट ऑफ रहेगी। 50 से 60 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी, क्योंकि द नेचर ऑफ क्वेश्चंस हियर इट इज़ नॉट अ केक वॉक और इट इज़ नॉट दैट टफ ऑल्सो। टफ भी नहीं है जो क्वेश्चंस हैं, जिसके शायद हो सकते हैं कि आधे स्टेटमेंट्स ऐसे हैं क्वेश्चंस के जो कि नाम आपने नहीं सुने हैं, या स्टेटमेंट्स थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें तो क्वेश्चंस वो सॉल्व हो रहे हैं। बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस थोड़े हैं कि एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैक्चुअल, एकदम ज़्यादातर क्वेश्चन जो आर्टिकल्स के ऊपर पूछ लिया गया है कि डायरेक्टली आर्टिकल्स पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और जो एक टाइप होता है क्वेश्चन के टाइप की अगर बात करें तो ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस इस बार पेपर में ज़्यादा है। मैच द फॉलोइंग्स हर एक सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, सबके अंदर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। तो मैच द फॉलोइंग का जो शेयर है इस बार पेपर में वो ज़्यादा है। बट अगर आप ध्यान से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस, हो सकता है कि आपको मालूम ना हो, बट वैसे क्वेश्चंस आपने छोड़ देना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इस पे है। बट ओवरऑल अगर पेपर की बात मैं करूं तो 60 मार्क्स इज इजीली स्कोरेबल, स्कोर अप कर सकते हैं 60 मार्क्स इस पर। उसके बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ कि 50 से 60 तक का जनरल की कट ऑफ ये जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ स्टेटमेंट्स टफ हैं, जैसे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है कि हाँ, इसकी स्पीच में इसने ये कहा, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा, ठीक है। फिर एक महाराणा प्रताप के ऊपर कि हाँ, इसने इस फलाने व्यक्ति ने इस तरह की बात कही थी। तो ये बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हो सकता है कि आपको मालूम ना हो, ज़्यादातर लोगों को ऐसे क्वेश्चन मालूम नहीं होंगे कि इतना किसी के स्पीच को कोई नहीं पढ़ता, या ना ही कोई फैक्चुअल किताबों में चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है, गैस वर्क कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो यू शुड हैव लेफ्ट द क्वेश्चन। बट चलिए, जो भी हो गया है वो हो गया है। बट इतना मैं बता दूं कि मैं जहाँ तक ये आशा कर रहा हूँ कि हाँ, HCS के खास करके जो अभिमन्यु के स्टूडेंट्स होंगे, दे माइट हैव परफॉर्म्ड वेल, क्योंकि जिस तरह से हमने पढ़ाई करी है पेपर उसी तरह से है। एंड 60 to 70 मार्क्स कैन बी स्कोर्ड इन दिस पेपर। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो 60 क्वेश्चन आप बिल्कुल 60 मार्क्स आप इस पर अचीव करोगे। एंड समवेयर अराउंड जो कट ऑफ की बात है तो 50 टू 60 जनरल की कट ऑफ, मैक्सिमम 60 तक ये जा सकती है, चांसेस हैं जाने के, ठीक है। तो अगर आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो यू आर इन दी सेफ जोन। तो चलिए, एनी हाउ, नो इशू विद दैट। पेपर वॉज नॉट वेरी मच ईजी एंड नॉट टफ ऑल्सो, ठीक है। तो इन दैट सेंस अभी आपकी जीएस के पेपर हो चुकी है, अभी अपने सीसेट का पेपर देना है, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट गो एंड सिट फॉर द सेकंड पेपर, ठीक है। अच्छे माइंड के साथ, बिना कुछ सोचे समझे। गलतियाँ हुई होंगी थोड़ी बहुत, एकाध क्वेश्चन तो सबके साथ होती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, नेक्स्ट पेपर को आप आराम से जाके दें, ठीक है। तो दैट्स ऑल। और बहुत ही जल्द, कुछ ही देर में, थोड़ी देर में विल कम अप विद द आंसर की के साथ हम आपको हमारी जो आंसर की वाली वीडियो है वो जल्दी आपको मिल जाएगी। तो बिना कुछ सोचे समझे सेकंड पेपर को जाके आराम से दीजिए, ठीक है। एंड स्टे मोटिवेटेड। गलतियां हुई हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर गलतियां हुई हैं एक आध में तो डो नॉट वरी अबाउट दैट, सबसे होती है। नो नीड टू बेसिकली होवर अराउंड फॉर दैट, ठीक है। तो सेकंड पेपर को दीजिए जाके आराम से आप। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।